लेकिन उक्त निरीक्षक की अनेकों बार पूर्व में शिकायत आदि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा की जा चुकी थी। वो जहां भी रहे हैं कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। विशिंदु परिषद यह स्पष्ट करता है कि घटना में विशिंदु परिषद भजन दल के कार्यकर्ता की कोई भी भूमिका नहीं है और अपने जिन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मिथ्या झूठा दोष लगाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह केवल पुलिस और प्रशासन अपनी नाकामी को और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए कराई गई है। विशिंदु परिषद यह मांग करता है कि मामले की जांच हेतु स्थानीय पुलिस पर निर्भर न रहते हुए उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से की जानी चाहिए जिससे घटना की मौलिक कारण और घटना की वास्तविकता की जानकारी आ सकेगी और समाज को सही बात है। और अभी जो महिलाओं से मारपीट की है, बदतमीजी करी है, उसके लिए महिला आयोग जाएंगे, मानवाधिकार आयोग जाएंगे। इस प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त से बाहर है कि सबको 2 बजे आप उनके घरों में तोड़फोड़ करते हो, महिलाओं से बदतमीजी करते हो, भय का माहौल पैदा करते हो। और इसलिए हमने कहा कि पत्थरबाजों पर आप रबड़ की गोलियां इस्तेमाल करते हो और गो भक्तों पर आप सीधे गोली मार रहे हो, सीधे सीने में गोली लगी है, इसलिए कैसे मान ली जाए कि गोली ऊपर हवाई फायरिंग हुआ होगा, सीधे गोली मारी गई है और उसी के बाद आक्रोश भड़का है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे से भी उत्तर प्रदेश के अंदर गोकसी अगर होगी तो समाज के अंदर विद्वेष फैलता है। इसलिए गोकसी क्यों, पुलिस प्रशासन का फेलियर है, गलत सूचना दी जा रही है प्रदेश के।